की सरकार आंदोलन का सामना नहीं कर सकती, ये हमारे लोगों के सामने टिक नहीं सकती है। ये झूठी निकम्मी भ्रष्टाचारी सरकार, व्यापम घोटाले वाली सरकार, ये सरकार जानती है कि ये सच के सामने टिक नहीं सकती। झूठ पे आधारित भ्रष्टाचारों की सरकार जानती है कि ये सच का सामना नहीं कर सकती है। ये वास्तविकता में नौजवानों का, महिलाओं का, बेरोजगारों का, बहुजनों का, वंचितों का सामना नहीं कर सकती है। और जो मुख्यमंत्री सामना ना कर सके, जो जनता की सुनवाई ना कर सके, भाग के क्या होगा मुख्यमंत्री जी? मैं आपसे जानना चाहता हूं, प्रदेश छोड़ के कहां भागेंगे? कुर्सी पे तो आप बैठे हैं, क्यों भाग रहे हैं कुर्सी छोड़ के? जनहित में, जनता के मुद्दों पे संवाद कीजिए ना। कल हुआ क्या था? हम लोग अपनी बात ही तो कहना चाहते थे, आपको क्या घबराहट हुई? डर गए? कहां भाग गए? और आपको क्या लगा, बंद करने से, जेल भेजने से, मुकदमे लगाने से, या रिटेन कर लेने से, या गाड़ियां रोक देने, गाड़ियां तोड़ने से क्या हम डर जाएंगे? आपको क्या लगा कि हम लोग डर गए? आपको क्या लगा हम लोग भाग जाएंगे? आपको क्या लगा कि हम लोग दोबारा नहीं लौटेंगे? आपको क्या लगा कि आप हमारे अधिकार डकार जाओगे और हम चुपचाप बैठे रहेंगे? आपको क्या लगा कि हम कौन लोग हैं? मैं आपको बताता हूं कि हम कौन हैं। हम बहुजन समाज के पढ़े लिखे, संघर्षशील, समर्पित, ईमानदार कार्यकर्ता हैं उस आंदोलन के, और हम वो लोग हैं जो इस देश में शासक वर्ग के लोग हैं, और हम वो लोग हैं जो अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हैं और जो समाज को जागरूक कर रहे हैं। हम भागेंगे नहीं, हम भगाएंगे। मैं वापस लौटूंगा इस आंदोलन को मजबूत करने, अपने भाइयों के हाथ पकड़ने। मुझे दुख है कि कल आपको लाठियां लगी,